हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल फॉर्चुन एजुकेशन मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके जो जाके जर्मनी में पढ़ाई करते हैं देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि परमानेंट रेसिडेंसी क्या होती है और अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ाई करने जा रहे हैं तो परमानेंट रेसिडेंसी आप कैसे ले सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर रहता है आपको पूरा हम लोग इनसाइट देंगे इसके बारे में इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल पर डिस्कशन करेंगे तो चलिए पहले बात करते हैं कि होता क्या है परमानेंट रेसिडेंसी पहले मैं एक क्लैरिफाई करूंगा देखिए ये एक स्टेटस होता है जो आपको अलाउ करता है जर्मनी में रहने के लिए और काम करने के लिए इनडेफिनेटली विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिन्यूइंग ऑफ योर वीजा आपको अपना वीजा बार बार रिन्यू नहीं करना पड़ेगा पी हो गया तो वहां पर रह सकते हैं इनडेफिनेटली ये आपको स्टेबिलिटी तो देता ही है और ये साथ के साथ आपको पाथवे देता है जर्मनी की सिटीजनशिप लेने के लिए तो अब हम लोग देखते हैं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं हाउ यू कैन अचीव दिस इसको ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पहला स्टेप होता है जर्मनी में पढ़ाई करके आपकी जो जर्नी होती है परमानेंट रेसिडेंसी की वो स्टार्ट की आपके स्टडी वीजा से होती है जर्मनी में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी वीजा लेना पड़ता है जिसके लिए हम, हम लोग को कोन्टेक्ट कर सकते हैं हम लोग एडमिशन करा के आपको स्टडी वीजा लेने में हेल्प कर देते हैं एंड इसके बाद आपको जर्मन एम्बेसी में आगे लॉन्ग रन में अप्लाई करना पड़ता है तो जर्मनी की स्टडी वीजा लेने के लिए जर्मनी में आपको पहले स्टडी वीजा के लिए एडमिशन लेना पड़ता है फिर प्रॉपर फाइनेंशियस दिखाने पड़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है ब्लॉक अकाउंट लेना पड़ता है फिर स्टडी वीजा लगता है और जब आप स्टडी वीजा लेके जर्मनी पहुंच जाते हैं आपको लोकल बॉडी जो होती है वहां की उसमें रजिस्टर करना पड़ता है और आगे जाके जब आप उसके बाद वर्क परमिट वगैरह ले लेते हैं आप एलिजिबल होते हैं स्टडी वीजा के लिए के बाद सॉरी नॉट स्टडी वीजा जब आप एलिजिबल होते हैं पी के लिए तो आप पी के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है तो इसके बाद क्या ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं पहला ऑप्शन रहता है कि जॉब सीकिंग वीजा आप लें ग्रेजुएट्स के लिए जो रहता है जिसकी ड्यूरेशन अठारह महीना होती है इस पीरियड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इम्प्लॉयमेंट जो है वो अचीव करें जो कि आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करती है आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करने वाली आपने अगर जॉब ले ली तो आपका मोटा मोटा काम हो गया इसके बाद आप दो चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसको पहला बोलते हैं ई यू ब्लू कार्ड और दूसरा होता है वर्क परमिट दोनों में से किसी में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं यू ब्लू कार्ड क्या होता है एक रेसिडेंस परमिट होता है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए है एंड ये फास्टर रूट आपके लिए बनाता है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए इसके बाद आता है आपका पाथ टू परमानेंट रेसिडेंसी वो क्या होता है कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है परमानेंट रेसिडेंसी को अचीव करने के लिए जर्मनी में और आपके लिए कुछ आपको कुछ क्राइटेरियाज है वो फुलफिल करना पड़ता है पहला होता है रेसिडेंस का ड्यूरेशन जो ये है ड्यूरेशन फाइव इयर्स का वो आपको फुलफिल करना है आपको जर्मनी में रहते हुए पांच साल हो गया हो दूसरा जो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना का है कि आपके पास एक जॉब होना चाहिए जिसमें जो आपका जर्मन सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम से लिंक्ड हो और कम से कम साठ महीने आपने वो जॉब किया हो इसके साथ साथ आप मान के चलिए कि जो लैंग्वेज प्रोफेशनसी आपकी बी लेवल की होनी चाहिए और आपके पास सेफ एंड सिक्योर्ड लाइवलीहुड होना चाहिए मतलब रेगुलर आप अपने जॉब को कर रहे हैं और अगर, अगर आपकी फैमिली वहाँ आपके साथ है तो आप उनको भी सपोर्ट कर पा रहे हैं है। सोशलोडेशन साथ साथ होना चाहिए, होना चाहिए अपने लिए के लिए। और आपके पास होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अगर आप ले लेते हैं तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए आपको लीगल एंड सोशल ऑर्डर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जर्मनी के वहां का सोशल सिस्टम क्या है लीगल सिस्टम क्या है इसका आपको एक इंटीग्रेशन कोर्स सर्टिफिकेट होता है वो लेना पड़ता है एंड अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं तो आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए लोकल इमिग्रेशन जो ऑफिस होता है वहां पर जाके जर्मनी में एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपको ये इंश्योर करना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करें जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हेल्थ इंश्योरेंस हो गया तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन लगाए अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अगर आप भी परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं जर्मनी में पढ़ने के बाद तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए मददगार रहेंगे परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए एडमिशन लेके जाने के लिए नहीं बट परमानेंट रेसिडेंसी लेने के लिए अगर आप वहीं पे रह रहे हैं तो सबसे पहला तो जर्मन सीखिए जर्मन नहीं सीखेंगे तो परमानेंट रेसिडेंसी मुश्किल है वहां लॉन्ग रन में जरूर सीखिए दूसरा नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कीजिए जितना अच्छा आपका जो नेटवर्क है जर्मनी में उतना इजीली आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सपोर्ट मिलेगा तीसरा एकदम इन्फॉर्म रहिए अप टू डेट रहिए क्या इमिग्रेशन लॉ चल रहा है क्या रूल्स रेगुलेशन है क्या चेंजेस हो रहा है चौथा एडवाइस दीजिए लीगल एक्सपर्ट से ऑर्गेनाइजेशन से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं और जो लीगल डिपार्टमेंट होता है जर्मन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का वो ही आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप मेरे को कंक्लूड करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है अपने पाथ को डिफाइन करके चलिए एक क्लैरिटी रखिए मेरी वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्या करना है जिसके बेसिस पे आप वहां पर स्टे बैक करके परमानेंट रेसिडेंसी जर्मनी में लेके गोइंग फर्दर सिटीजनशिप ले सकते हैं तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एक मतलब समरी तो नहीं बोलूंगा बट मैं इन डिटेल ही जाके आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए बेल आइकन पर भेंट कीजिए अगर आप क्या या आपके कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स हैं तो जर्मनी में या इस तरह की किसी अच्छी कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है स्क्रीन के नीचे भी दी हुई है व्हाट्सएप लिंक हम लोगों ने कमेंट जो पहला है वो डाला हुआ है उस पर क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिकली हम लोगों से कनेक्टेड हो जाएंगे मे गॉड ब्लेस यू आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग